हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोघा और उर्दू एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं jQuery को सीखने की सीरीज, और इस सीरीज में आज उसका एक लेक्चर नंबर 1 है जिसमें आज हम बात करेंगे jQuery के इंट्रो की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे करो सब्सक्राइब और बेल आइकन को करो प्रेस, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं jQuery, और jQuery का लेक्चर 1 है जिसमें आज हम बात करेंगे ओनली इंट्रो की कि jQuery क्या है। ठीक है, तो बेसिकली jQuery को मैं आपको पढ़ाने से पहले बता दूं कि jQuery को बनाया गया है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, और जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उसको बनाया गया है सी लैंग्वेज से। तो सी लैंग्वेज से बनी है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, और जावास्क्रिप्ट से बना है jQuery। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता कि व्हाट इज jQuery, कि jQuery क्या है। तो बेसिकली jQuery जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में की हेल्प से जो हम काम करते हैं, और उस काम को करने में अगर हमें 100 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, तो उन सभी को छोटा करके मेथड्स में डाल के एक लाइब्रेरी बनाई गई है जिसको बोला गया है jQuery। तो jQuery बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। jQuery इज़ अ लाइट वेट, राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो बेसिकली jQuery की टीम का ही एक मोटो है कि राइट लेस डू मोर, कि कम से कम डेवलपर को कोड लिखना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें मिले। तो बेसिकली एक बहुत ही लाइट वेट है, इसको अगर आप अपने प्रोग्राम में अगर इनबिल्ट करते हैं तो आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो ज़्यादा लोड नहीं लेगा, ये बहुत लाइट वेट होती है। द पर्पज़ ऑफ jQuery इज़ टू मेक इट मच ईजियर टू यूज़ जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जब यूज़ किया जाता है वेब एप्लीकेशन में, कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट से, तो बहुत लेंथी काम होता है। सपोज़ करो अगर जावास्क्रिप्ट में मुझे कोई भी काम करने के लिए अगर मुझे एनिमेशन ही लगाना है, अगर मुझे 10 लाइन लिखनी पड़ रही है, तो jQuery के अंदर मैं सिर्फ दो लाइन से कर सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट से jQuery बनाने का बेसिकली मोटो यही है कि ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े, उस कोड को छोटा कर दिया जाए। ठीक है, jQuery टेक्स अ लॉट ऑफ कॉमन टास्क दैट रिक्वायर मैनी लाइन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड टू अकम्प्लिश एंड रैप्स देम इनटू मेथड्स दैट यू कैन कॉल विद अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। बेसिकली जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको कि जावास्क्रिप्ट से ही बना है jQuery, और जावास्क्रिप्ट के में जो हम कोड होते थे, अगर हमें कोई जूमिंग इफेक्ट लगाना है या हमें ब्लरनेस लगाना है या स्लाइड इन स्लाइड अप लगाना है, कोई भी एनिमेशन अगर यूज़ करना है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको अगर हम काम करते हैं ये वाला, तो बहुत लंबा लेंथी काम होता है। तो इन सभी के जावास्क्रिप्ट के इन सभी के कोड को अलग अलग मेथड्स के अंदर डाल के रख दिया गया है, और उसको हम एक सिंगल लाइन के कोड से उन मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, जिससे कि jQuery में जब इनको यूज़ करते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए। jQuery आल्सो सिंप्लीफाइज अ लॉट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स फ्रॉम जावास्क्रिप्ट लाइक एजैक्स कॉल्स एनिमेशन एंड डोम मैनिपुलेशन। बेसिकली जब हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशन में, अगर हमें एजैक्स का यूज़ करना है, लाइक अगर हमें एनिमेशन का यूज़ करना है या हमें डोम मैनिपुलेशन करना है, तो जावास्क्रिप्ट से बहुत लंबा काम होता है, और jQuery से बहुत छोटा हो जाता है वो। द jQuery लाइब्रेरी कंटेन द फॉलोइंग फीचर। तो बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट से इतने अच्छे अगर इसके jQuery को बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है, उसके फीचर्स क्या हैं। तो बेसिकली जो पहला फीचर यहाँ पे आता है वो है HTML डोम मैनिपुलेशन, कि HTML में आपके जो भी एलिमेंट होते हैं, अगर एलिमेंट को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो डोम मैनिपुलेशन बहुत ईजी होता है jQuery से करना। jQuery से करोगे तो आप, फॉर एग्जांपल अगर आप दो लाइन लिख रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट से आप 20 लाइन लिखोगे। फॉर एग्जांपल CSS मैनिपुलेशन आप बहुत ईजी कर सकते हैं jQuery में। HTML में इवेंट मेथड्स आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं jQuery में, अगर कंपेयर करें जावास्क्रिप्ट में, तो वहाँ पे बहुत लेंथी कोड हमें लिखना पड़ता है। इफेक्ट्स एंड एनिमेशन का बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। एजेक्स का बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में 200 लाइन लिखनी पड़ रही है, तो jQuery में आपको काम 20 लाइन से हो जाएगा। क्योंकि ये काम क्यों हो जाएगा 20 लाइन में, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट से ही तो jQuery बनाया गया, जावास्क्रिप्ट के लंबे लंबे कोड को छोटे मेथड्स के अंदर डाल के रख दिया गया, उन मेथड्स को हम कॉल करते हैं jQuery से, सिंपल। और सबसे जो बेनिफिट हमें मिलता है jQuery का प्लगइन, कि jQuery में हमें
पहले से ही बहुत सारे कोड ऐसे हैं जो अगर हमें कोई वेबसाइट पे जूमिंग इफेक्ट डालना है या कोई भी अगर हमें फॉर्म्स की अगर हमें ऑथेंटिकेशन चेक करनी है या फॉर्म पे कोई भी यूज़र अगर डेटा फिल कर रहा है तो उस पर कुछ हमें वैलिडेशन यूज़ करनी है, तो jQuery ऐसे कामों के लिए, अब उससे भी अलग अलग कामों के लिए बहुत सारे प्लगइन प्रोवाइड करता है जिसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो jQuery में जो प्लगइन है ये इसका ब्रह्मास्त्र आप कह सकते हो। तो वाई jQuery, बेसिकली jQuery क्यों यूज़ करें? देखिए इतने सारे फीचर्स हैं तो jQuery यूज़ करना बनता ही बनता है। तो बेसिकली क्या है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी हैं, बट jQuery ही इतना फेमस क्यों है? क्योंकि jQuery को यूज़ करना, उसको सीखना, उसको पढ़ना, उसका इस्तेमाल करना बहुत ईजी होता है, और अगर मैं बहुत लाइट वेट है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बहुत लाइट वेट होती है, उसको इजी यूज़ करना होता है, तो बेसिकली बड़ी से बड़ी कंपनियां तक jQuery को यूज़ करती हैं इसके इन्हीं फीचर्स की वजह से। व्हाट शुड बी लर्न बिफोर यूज jQuery? तो बेसिकली आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि jQuery सीखने से पहले कुछ ना कुछ तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो किन किन चीज़ की होनी चाहिए? आपको HTML आना चाहिए अच्छे से, CSS का यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए, और JavaScript की अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो अच्छी बात, अगर नहीं भी है तब भी आप jQuery को आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि जो काम हम JavaScript में करते हैं वही आप काम jQuery में बिल्कुल कर सकते हो। JavaScript अगर फादर है तो jQuery उसका सन है, और अगर जावास्क्रिप्ट फादर है तो फादर के सारे गुण तो सन में आएंगे। तो बेसिकली jQuery का यूज़ करोगे तो jQuery के खुद के मेथड्स और साथ में जावास्क्रिप्ट दोनों का आप कॉम्बो यूज़ कर सकते हैं। वेयर विल वी राइट jQuery कोड? तो बेसिकली jQuery का जो कोड होता है वो कहाँ पर लिखते हैं? जो भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं लाइक नोट पैड प्लस प्लस सबलाइम एटम, आप किसी भी आप यहाँ पे आप टेक्स्ट एडिटर ले सकते हैं और उनमें आप अपना कोड लिख सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर था वो मेरा मोटो ये था आपको बताना, एक छोटा सा इंट्रो देना jQuery का कि jQuery क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, कैसे jQuery को यूज़ किया जाता है, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो jQuery बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अपने आप में अगर आप वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ होने का मतलब ये कि जो काम आपको 20 दिनों में करना होता है वो आप काम 2 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही कुछ इसी को फॉलो करते हुए जावास्क्रिप्ट के थ्रू jQuery बनाई गई है कि अगर जावास्क्रिप्ट से हमें काम करने में अगर 10-10 दिन लग रहे हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये काम को हम 1 दिन में कर सकें। तो वही सिंपल इसका jQuery का भी रोल होता है कि आपके काम को आसान कर देता है, कोड को छोटा कर देता है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट देता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।